नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ डीएस मेहरा। दोस्तों, जो मेरी आज की जो वीडियो है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो स्टूडेंट के ऊपर है जो होटल्स के कोर्सेज कर रहे हैं या फिर एचएम से रिलेटेड है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, नई कॉमर्स है, उन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ वो किचन के रिलेटेड है। तो जैसे कि हम शेफ को देखते हैं किसी भी चीज़ को चॉपिंग करते हुए, किसी चीज़ को प्रोडक्ट को काटते हुए, लेकिन हम उसकी नाइफ को देखते हैं दोस्तों कि उस किस तरह से नाइफ को चला रहे हैं, किस तरह से प्रोडक्ट को कट कर रहे हैं या फिर वेजिटेबल्स हो या फ्रूट हो, कोई भी चीज़ हो, वो किस तरह से उस चीज़ को काट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपने ये सब तो नोटिस करते हुए और आप एक चीज़ और नोटिस किया करो, वो जो नाइफ को चला रहे हैं दोस्तों, जो उनकी कला है नाइफ में नहीं है, उनके हाथों में। तो उनके आप हाथ को देखा करो, वो किस तरह से उन्होंने नाइफ को पकड़ा हुआ है, कितना वो जोड़ लगा रहे हैं और किस तरह से उस नाइफ को स्लाइसिस में या फिर किसी चीज़ को भी काटने में लगे अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो आप जो भी उनके हाथों हाथ की कलाइयाँ हैं, जो उनका जो प्रयोग करते हैं, उस चीज़ को नोट्स किया करो, क्योंकि जो 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 दोस्तों जो स्किल्स होती है हमारे उस नाइफ में नहीं होती, हमारे अंदर होती है, हमारे जो अपने जो हैंड्स होती है उन सब चीज़ों में होती है जो हमसे किचन में रिलेटेड होता है। चाहे आप चॉपिंग में देख रहे हो या फिर आप किसी बेकरी लाइन में देख रहे हो, चाहे आप बेकरी या फिर केक में देखते हो कि तो वो पैलेट नाइफ से जब शेफ जब केक बना रहे होते हैं तो दोस्तों आप उनकी फिनिशिंग देखते हो, उस केक की फिनिशिंग देखते हो, उनके हाथ्स को नहीं देखते, किस तरह से अपने हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह से अपने जैसे कि अपने केक की फिनिशिंग दे रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह से नाइफ को पकड़ा हुआ है, कैसे वो हैंडल कर रहे हैं और किस चीज़ मूवमेंट में अपने नाइफ के लिए स्किल्स का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। तो यही एक चीज़ है दोस्तों कि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो चीज़ पे ध्यान दें कि जो जो कला होती है वो शेफ के अंदर होती है, ना कि नाइफ के अंदर होती है। अब सेकंड चीज़ ये है, मैं आपको बता देता हूँ जो बटर स्कॉच होता है वो क्या क्या करता है और कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, सिंपल है, जो बटर स्कॉच होता है या बटर कैरमल होता है, कुछ भी होता है, तो कैसे बनेगा दोस्तों, शुगर को एक मिनिमम टेम्परेचर पे ही उसे हीट किया जाता है, उसका जो हीटिंग प्रोसेस होता है उसे हाई लेवल पे रखा जाता है, अराउंड वो 180 डिग्री पे या फिर 170 डिग्री पे उसे कुक किया जाता है। तो जैसे कि शुगर कैरमलाइजेशन होता है तो उस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों कैरमल, ठीक है दोस्तों। अब जब आप उसके अंदर कुछ भी बटर डाल दोगे तो उसे हो जाएगा कैरमल सॉस हो जाएगा, और अगर आप उसमें कुछ नहीं डालोगे या फिर उसमें सिर्फ कैशनट या फिर पीनट डालोगे और उसे किसी भी चीज़ में जमाने के लिए रख दोगे तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बटर स्कॉच। तो उसे हम कई चीज़ों में यूज़ करते हैं, हमारे आइसक्रीम से रिलेटेड, केक से रिलेटेड या फिर कोई भी जो डेजर्ट यूज़ बनाते हैं उस चीज़ में, उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उसे, कैरमल सॉस, जो मैंने आपको बताया, जिससे शुगर और बटर का यूज़ करते हैं, बटर स्कॉच जिसमें शुगर, शुगर को क्या करना होता है, कैरमल करना होता है। तो शुगर, पीनट या फिर कैशनट, इसको हम बोलते हैं बटर स्कॉच। ये हो गया हमारा बटर स्कॉच के बारे में। दोस्तों, अब मैं आपको एक ओनियन की खास चीज़ बता देता हूँ। जो हम प्याज यूज़ करते हैं घर में, जब उसे पकाते हैं, कुक करते हैं, तो आप देखते हो कि वो बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ओनियन होता है दोस्तों उसके अंदर स्वीटनेस ज़्यादा होती है, उसके अंदर मिठास होती है, इसलिए वो जलना शुरू कर देता है। अब हम उस मिठास को रोकने के लिए हमें कोई भी चीज़, लिक्विड चीज़ में डालनी होती है। आपको पता है दोस्तों, जब हम ओनियन को कुक करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ, जब वो पकने के बाद हम उसमें कुछ लिक्विड चीज़ ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो कैरमलाइजेशन है वो रुकना स्टार्ट हो जाए, यानी कि जो उसका हीटिंग प्रोसेस है वो धीरे स्लो आ जाए और अपने जो ओनियन है वो जले ना, तो इसलिए हम उसमें टमाटर या फिर पानी या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट डालते हैं जिससे कि उसका कैरमलाइजेशन रुक जाता है। तो ये जो भी आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ ये मेरे अंदर थॉट प्रोसेस में आता है दोस्तों, कि आपको किस तरह की नॉलेज देनी चाहिए या फिर मुझे जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं मैं उस चीज़ को कभी कभी आपके सामने क्लियर करता रहता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नए किसी रेसिपी में, नए किसी नॉलेज में। अगर आपको कुछ ही पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त, जय हिंद।